है, छत्तीसगढ़ के कवर्धा में चल रही है ये धर्म संसद, जहां की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। कवर्धा में ये धर्म संसद बुलाई गई थी साईं को भगवान मानने के मुद्दे पर, लेकिन इस दौरान मंच पर पहुंचे साईं समर्थकों और वहां मौजूद साईं समर्थकों के बीच झड़प हो गई और अंत में साईं समर्थकों को वहां से खदेड़ दिया गया। क्या हुआ, चलिए एक बार फिर से हम आपको दिखाते हैं इन तस्वीरों में। हम के लिए आओ बैठो, मैं चैलेंज करता हूँ, संज्ञा कर बैठता हूँ अनशन के लिए, आज के बाद से पानी नहीं पीऊंगा, पानी नहीं पीऊंगा, चरणों में बैठता हूँ। अच्छा बैठ जा, आइए बैठ गया, बैठ जा आप उनको बोलने तो दीजिए, जो प्रश्न है वो सुनने तो दीजिए, आकर के बैठ जाओ भाई, मैं बैठ रहा हूँ, शंकराचार्य हिंदू धर्मों को चैलेंज कर रहा है, मैं बैठ रहा हूँ। कृपया जी अन्न जल के बिगर अन्न जल के यहाँ पर आइए बैठिए, जौन जितने साईं जल भी ग्रहण नहीं किया जाएगा, जल भी नहीं ग्रहण करेंगे, आ जाओ। अरे भाई, अरे भाई कोई बात नहीं, सम्मान के साथ, सम्मान के साथ सारे लोग व्यवस्था बनाए, शांति से सभी लोग, शांति से सभी लोग बैठ जाए, जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की जय। अरे बैठ जाइए, शांति से सारे लोग, सभी लोग शांति के साथ नरेंद्र जी बैठिए, आप सब बैठे, सब बैठ जाइए, धर्म की शांति से, कोई भी शांति से आप सब बैठ जाए। देखिए, मेरा संचालक जी से निवेदन है, आग्रह है, कोई भी कैसा भी किसी भी परिस्थिति में किसी को भी यहाँ मंच पर नहीं आने दिया जाए। हाँ, मंच पर केवल वही बोलेंगे जो हमारे पदाधिकारी हैं, जो अखाड़े प्रेसिडेंट के हम के लिए आओ बैठो, मैं चैलेंज करता हूँ, संज्ञा कर बैठता हूँ अनशन के लिए, आज के बाद से पानी नहीं पीऊंगा, पानी नहीं पीऊंगा, चरणों में बैठता हूँ। अच्छा बैठ जा, आइए बैठ गया, बैठ जा आप उनको बोलने तो दीजिए, जो प्रश्न है वो सुनने तो दीजिए, आकर के बैठ जाओ भाई, मैं बैठ रहा हूँ, शंकराचार्य हिंदू धर्मों को चैलेंज कर रहा है, मैं बैठ रहा हूँ। कृपया जी अन्न जल के बिगर अन्न जल के यहाँ पर आइए बैठिए, जौन जितने साईं जल भी ग्रहण नहीं किया जाएगा, जल भी नहीं ग्रहण करेंगे, आ जाओ। अरे भाई, अरे भाई कोई बात नहीं, सम्मान के साथ, सम्मान के साथ सारे लोग व्यवस्था बनाए, शांति से सभी लोग, शांति से सभी लोग शांति से बैठ जाए, जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की जय। अरे बैठ जाइए, शांति से सारे लोग बैठ जाइए, लोग शांति के साथ नरेंद्र जी बैठिए, आप सब बैठे, सब बैठ जाइए, धर्म की शांति से, कोई भी शांति से आप सब बैठ जाए। देखिए, मेरा संचालक जी से निवेदन है, आग्रह है, कोई भी कैसा भी किसी भी परिस्थिति में किसी को भी यहाँ मंच पर नहीं आने दिया जाए। हाँ, मंच पर केवल वही बोलेंगे जो हमारे पदाधिकारी हैं, जो अखाड़े प्रेसिडेंट। मनोज मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। मनोज, मामला जो है वो शुरू हुआ था स्वामी सरस्वती से, जब उन्होंने कहा था कि साईं भगवान ने, और उसके बाद इस तरह की संसद बुलाई गई। लेकिन किसी को भगवान मानना या ना मानना, ये तो एक सबका अपना अपना डिसीजन होता है, ये तो आस्था का सवाल है, सबकी अपनी अपनी आस्था होती है। तो वाकई नवजोत, लेकिन बात मुद्दा इसी बात पे शुरू हुआ है, क्योंकि जो साईं ट्रस्ट को लेकर इन्होंने बुलाया, शंकराचार्य ने कोशिश की कि साईं ट्रस्ट के लोग भी आकर इस धर्म संसद में भाग लें और वो अपनी बात को आकर कहें, लेकिन साईं ट्रस्ट की तरफ से साफ तौर पर मना कर दिया गया कि वो इस विवाद में नहीं पढ़ना चाहते, वो नहीं आना चाहते। तो जो साईं बाबा के जो भक्त थे, उन्होंने आकर जब साईं शिरडी के साईं बाबा की अस्तित्व की बातचीत की, तो उसको लेकर सारा विवाद हुआ। ये बात बिल्कुल अहम है, क्योंकि जब पहली बार ये शंकराचार्य का बयान आया था, उन्होंने कहा था कि जो साईं बाबा का को भगवान का अवतार मानना ठीक नहीं है। तो ये एक ऐसा विषय था कि जिसको लेकर जो शंकराचार्य हैं, उन्होंने कहा कि हम धर्म संसद बुला रहे हैं, हम तमाम अखाड़ों के मंडलेश्वर को बुला रहे हैं, देश के साधु संतों को बुला रहे हैं, और काशी की जो विद्वत पीठ है उसको इस बात का जिम्मेदारी दे रहे हैं कि वो बैठकर फैसला करे कि साईं बाबा
भगवान के अवतार थे या नहीं थे। एक अहम बात और नवजोत जो जिससे आपने शुरुआत की कि आखिर किसको मानना है, किस भगवान की पूजा करनी है, एक इंसान का एकदम निजी फैसला है, क्योंकि इसमें शुरुआत भी ये बात कही गई थी कि वेद और शास्त्रों के मुताबिक ये डिस्कशन होगा, ये लोग अपनी बातचीत करेंगे, लेकिन सामने जो आ रहा है किसी वेद में किसी शास्त्र में नहीं लिखा है कि कोई इंसान किस भगवान को मानता है, किसकी पूजा करे ना करे, इसको लेकर किसी तरह की पाबंदी लगाई जाए, ऐसा किसी वेद या शास्त्र में तो नहीं लिखा है। तो फिर इस धर्म संसद का मकसद क्या था, क्या मतलब हुआ इस धर्म संसद का, इस तरह की धर्म संसद अगर बुलाई जाती है, क्योंकि अगर हम साईं समर्थकों की बात करें तो वो ये कह रहे हैं कि हमें तो बोलने ही नहीं दिया जाता, वहां पर अपनी बात रखने का मौका ही नहीं दिया गया। अगर सही कहा जाए नवजोत, तो धर्म संसद में जब तक दोनों पक्ष नहीं होंगे, अगर एक पक्ष कहता है कि साईं बाबा भगवान के अवतार नहीं है, ये एक पक्ष कह रहा है, दूसरा पक्ष कह रहा है कि हम इस बात को नहीं मानते, साईं बाबा की जो करोड़ों अनुयायी हैं उनकी पूजा करते हैं वो उनको भगवान का अवतार मानते हैं, तो जाहिर सी बात है कि अगर दूसरा पक्ष आकर अपनी बात नहीं रख पाया तो धर्म संसद जिस मकसद से बुलाई गई थी उससे कहीं ना कहीं धर्म संसद उस मकसद तक नहीं पहुंच पाई, क्योंकि जो दूसरे लोग आए, साई ट्रस्ट के लोग तो वैसे भी नहीं आए, अगर दूसरे साई बाबा के भक्त आए थे, अनुयायी आए थे, उनके जो प्रतिनिधि नहीं थे साई ट्रस्ट के, अगर वो आकर अपनी बात कह रहे थे तो उसके बाद एक डिस्कशन होता, एक डिबेट होती, और एक अच्छी डिबेट जिसे हम कहें सार्थक बहस होती, वेद और शास्त्रों के आधार पर कि शंकराचार्य के लोग अपनी बात रखते वेदों के आधार पर, शास्त्रों के आधार पर, और दूसरी तरफ साईं बाबा के लोग अपनी बात रखते और जिसमें इस बात को वो साबित करने की कोशिश करते कि साईं बाबा भगवान का अवतार है या साईं बाबा की जो लोग पूजा करते हैं वो अपनी जगह सही है, तो ऐसी कोई बहस उस धर्म संसद में नहीं हो पाई नवजोत। लेकिन इसके बाद एक सवाल ये भी उठता है मनोज कि अगर दोनों पक्ष होते भी, सुनाते भी, अपनी अपनी बात रखते भी, तो उसको जज कौन करता। बहरहाल आप रहिए हमारे साथ, हम दर्शकों को एक बार फिर से तस्वीरें दिखाते हैं कि आखिर धर्म संसद में मंच पर हुआ क्या। हम के लिए आओ बैठो, बैठो, मैं चैलेंज करता हूं, बैठता हूँ अनशन के लिए, आज के बाद से पानी नहीं पीऊंगा, पानी नहीं पीऊंगा, चरणों में बैठता हूँ, आजा बैठ जा, आइए बैठ जा, आ बैठ जा, आप उनको बोलने तो दीजिए, जो प्रश्न है वो सुनने तो दीजिए, आकर के बैठ जाओ भाई, मैं बैठ रहा हूँ, शंकराचार्य हिंदू धर्मों को चैलेंज कर रहा है, मैं बैठ रहा हूँ। कृपया जी अन्न जल के बिगर अन्न जल के यहाँ पर आइए बैठिए, जॉन जितने साईं जल भी ग्रहण नहीं किया जाएगा, जल भी नहीं ग्रहण करेंगे, आ जाओ है भाई, अरे भाई कोई बात नहीं, सम्मान के साथ, सम्मान के साथ सारे लोग व्यवस्था बनाए, शांति से सभी लोग, सभी बैठ जाए, जगत गुरु की जय, अरे बैठ जाइए, शांति से सारे लोग बैठ जाए, लोग शांति के साथ नरेंद्र जी बैठिए, आप सब बैठे, सब बैठ जाइए, धर्म की शांति से, कोई भी शांति से आप सब बैठ जाए, देखिए देखिए देखिए, निवेदन है, आग्रह है, कोई भी कैसा भी किसी भी परिस्थिति में किसी को भी यहाँ मंच पर नहीं आने दिया जाए। हाँ, मंच पर केवल वही बोलेंगे जो हमारे पदाधिकारी हैं, जो अखाड़ा परिषद के। चलिए मनोज तो हमारे साथ हैं, हमारे संवाददाता, लेकिन इस वक्त हमारे साथ शंकराचार्य के प्रतिनिधि ब्रह्म विद्यानंद जी भी जुड़ गए हैं। आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि मंच पर हुआ क्या, सबसे पहले ये बताइए। देखिए ये 24 और 25 अगस्त को आयोजित धर्म संसद का अंतिम दिन है, आज 25 को, और आज यहाँ निर्णय होना है और प्रस्ताव पारित होने हैं, और आपको तो जानकारी है ही कि शिरडी ट्रस्ट को महाराज जी ने अभिनय आमंत्रित किया था, एक डेलीगेशन वहाँ भेजा था, उन्होंने रिसीविंग भी ली लेकिन किन्हीं कारणों से कर दिया। आज सभा के मध्य में कुछ लोग अहमदाबाद से, मनुष्य मित्र नाम के हैं, दिल्ली से अशोक गडौरिया हैं, ये लोग आए और कहे कि हम लोग साईं के समर्थक हैं और बोलना चाहते हैं अपनी बात, तो उनको मंच दिया गया बोलने के लिए, और उसमें अशोक भदौरिया जी तो पॉइंट टू पॉइंट बोलते रहे साईं पे, लेकिन मनुष्य मित्र जी जो है वो थोड़ा विषयांतर करने लगे जी, और वो साईं के इशू से भटक के गोहत्या वाले मुद्दे पर जब बोलने लगे और उन्होंने चैलेंज कर दिया महाराज जी के शिष्यों को कि शंकराचार्य के शिष्यों को मैं चैलेंज देता हूँ कि वो गोहत्या के लिए अनशन करके दिखाएं, तो अब ये बात तो ऐसी थी कि इस पर रोष आना स्वाभाविक था, तो लिहाजा उनको जो है उनके हाथ से माइक लेके उनको किनारे कर दिया गया है।
चलिए आप ये बताइए कि आपने कहा कि इसमें आज डिसीजन होना था, अभी भी मंच में दाहिनी ओर बैठे हुए हैं, सुन रहे हैं, सभा में हैं, वो ये हुआ है जी जी। आपने कहा कि आज इस पर निर्णय लिया जाना था, लेकिन ये बताइए कि उनकी तरफ से भी आरोप ये लग रहा है कि भाई किस बात का निर्णय, किसी भी भगवान को मानना या ना मानना या फिर किसी को भी मानना, ये तो मनुष्य की स्वयं की आस्था का सवाल होता है, और आप अगर दूसरे पक्ष की बात नहीं सुनेंगे तो निर्णय कहाँ से किया जाएगा। इनको शास्त्र की आंखों से भगवान को देखा जाता है, भगवान एक अदृश्य सत्ता का नाम है जो सारे प्राणियों को उसके कर्म का फल प्रदान करती है, तो वो सत्ता अदृश्य सत्ता है, उसका स्वरूप सच्चित आनंदमय है, उसको वेद की आंखों से शास्त्रों की आंखों से देख के उसका निर्धारण होता है। लेकिन आप किसी को मजबूर नहीं कर सकते ना, अगर कोई साईं को मानता है, लेकिन अगर कोई साईं को मानता है तो वो उसकी अपनी आस्था है, हर मनुष्य की अपनी आस्था होती है। साईं को हम लोग मानने का खंडन नहीं कर रहे हैं, साईं को मानिए, लेकिन उसको भगवान के रूप में नहीं, वो राम कृष्ण देवी के रूप में स्वीकार नहीं हो सकता है। चलिए ये बताइए कि उस वक्त मंच पर आप कह रहे हैं कि आज निर्णय लिया जाना था, जब आप दूसरे पक्ष की बात सुनेंगे नहीं तो फिर निर्णय कैसे लिया जाएगा। दूसरे पक्ष को कहने के लिए व्यक्ति भले ना हो, लेकिन साईं के विचार हम लोगों के पास हैं और उन विचारों को हमने पुरस्कार करते हुए यहाँ निर्णय लिया जाएगा, और साईं के लोग आए अथवा ना आए इससे हमारे निर्णय में फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि हम लोग अपना निर्णय नहीं देने जा रहे हैं, हम लोग शास्त्रों के अनुसार निर्णय देने जा रहे हैं। लेकिन निर्णय देने वाले भी तो वही लोग हैं जो उसका विरोध कर रहे हैं, वही रहेंगे जो शास्त्रों के अनुसार हैं। नहीं, निर्णय देने वाले भी तो वही लोग हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं। निर्णय देने वाले लोग जो हैं वो सिर्फ अनुवादक हैं, ट्रांसलेटर हैं शास्त्रों के, वो अपने मन से कुछ नहीं कह रहे हैं, अपने मन से कहेंगे तो उनकी बातों को भी सनातनी समाज रिजेक्ट कर देगा जी। जो धर्म शास्त्र है उसके अनुसार निर्णय देने जा रहे हैं। चलिए विद्यानंद जी, ये बताइए कि आपने, चलिए आप अपनी दलील यहाँ पर रख रहे हैं, लेकिन साईं के लाखों करोड़ों भक्त हैं, न सिर्फ हिंदुस्तान में, हम कहें कि बाहर पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, तो फिर ऐसे भक्तों को आप किस तरीके से बात अपनी पहुंचाएंगे उन तक, क्या वो, क्या कोई मानेगा इस बात को? लाख अंधे हों तब भी प्रमाण प्रकाश का ही माना जाएगा, अंधे की बात का प्रमाण नहीं माना जाएगा। अंध श्रद्धा है ये, जो शास्त्र से विपरीत श्रद्धा है वो अंध श्रद्धा है, और साईं सच्चरित्र और साईं प्रतिष्ठान के द्वारा जो पुस्तकें निकाली गई हैं, और आप स्वयं फिर भी जाके देख लीजिए कि साईं की कब्र बनी हुई है, कब्र मुसलमान की बनती है, आप कैसे कह सकते हैं कि ना हम हिंदू हैं ना मुसलमान हैं, आप पूरी परिपाटी मुसलमानों के अनुसार आपकी हुई है, आप अपने को मुसलमान से अलग नहीं रख सकते, जब आपने अपने आप को मुस्लिम अनुसार दफनाया है तो आप उस बात को। चलिए चलिए, आप मुद्दे से नहीं भटके, बहुत शुक्रिया ब्रह्म विद्यानंद जी हमसे बात रखने के लिए, यहाँ पर आपने अपनी बात रखी, तो हम आपको बताएं कि जो साईं के भक्त उस वक्त वहाँ पर मौजूद थे मंच पर, उन्होंने क्या कहा वो भी सुनवाते हैं आपको। मैं भक्तों, मेरे को यहाँ पता लगा कि यहाँ धर्म संसद हो रही है, मैं साईं बाबा का पक्ष रखने के लिए आया, इसकी कोई जरूरत नहीं है। नितिन कुमार है और मैं हूँ, मैं अपने आप व्यक्तिगत रूप से आया हूँ, और साईं ट्रस्ट की ऑफिशियल जब मैं उनका भक्त हूँ तो इस बात की क्या आवश्यकता है कि साईं ट्रस्ट मेरे को अधिकृत करे और ना करे। जी मैं विरोध करता हूँ। मेरा संचालक जी से